जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करने वाले हम लोग एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के बारे में। यदि आपके पास पहले से इस कंपनी का शेयर है तो आपको पता होगा कंपनी का शेयर इन दिनों रॉकेट बना हुआ है। लगातार इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है और जो नए बायर्स हैं जो इस कंपनी के शेयर को बाई करना चाहते हैं वो अभी ये सोच रहे हैं कहाँ पे इसको बाई करें। तब तक ये शेयर देखते देखते कहाँ तक पहुंच गया, 80 पैसा तक पहुंच गया, 40 पैसा चलना शुरू हुआ था। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास शेयर है तो आपको अब क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, अभी और होल्ड करना है, साथ में कोई नया व्यक्ति है जिसको अभी इन्वेस्टमेंट करना है या जिसके पास पहले से भी शेयर्स हो और एवरेजिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कहां पे कर सकते हैं, सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। बीएस इंडिया की वेबसाइट पर जब आप एक्सेल रियलिटी लिमिटेड को देख बीएस इंडिया की वेबसाइट पर जब आप एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी को देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये स्टॉक एएसएम स्टेज वन में। हालांकि एएसएम की कैटेगरी में होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज ये कंपनी के शेयर प्राइस में आपको यहाँ पे भी पॉजिटिव तकरीबन 5% का अपर सेट लगते हुए दिख रहा है, नोटिफिकेशन में भी नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं तकरीबन 4.5% से ज्यादा का अपर सेट आज के डेट में इसमें लगा था। यदि बात करें हम लोग एक्सेल रियलिटी कंपनी के काम धाम की तो ये कंपनी बीपीओ सर्विस देती है और साथ में आपको आईटी से जुड़ी हुई काम भी करती है, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो कह सकते हैं कि प्रकार से काफी मल्टीपल बिजनेस में कंपनी कूदी हुई है और इसका जो मेजर रेवेन्यू आता है बीपीओ सर्विस से जुड़ी हुई है तो बीपीओ सर्विस से इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू होता है। हालांकि आईटी सर्विसेज से भी और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी कंपनी कमाई होती है लेकिन मेजर रेवेन्यू बीपीओ सेक्टर से आता है। पहले नाम कुछ और थे, यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेल इन्फोवेस के नाम जाना जाता, बाद में नाम चेंज होकर एक्सेल रियलिटी हो गया। यदि बात करें हम लोग कंपनी के फंडामेंटल, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। यदि आपके पास इसमें पैसा लगा है या नया इन्वेस्टमेंट करना है सभी चीजों को समझेंगे बारीकी से तभी आपको आगे के कदम उठाने में आसानी होगी। 132 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन जो काफी बढ़िया है, पेनी स्टॉक के लिहाज से यदि 100 करोड़ के ऊपर वैल्यूएशन होता है तो हम लोग उसे ठीक समझते हैं। हालांकि यहाँ पे देखेंगे स्टॉक का पी काफी महंगा हो गया है, इतने हाई वैल्यूएशन पे इस कंपनी के शेयर प्राइस को बाई करना ठीक रहेगा कि नहीं, ये जब हम लोग कंपनी के चार्ट एनालिसिस करेंगे मैं आगे आपको बताऊंगा तो वहां पे इस चीज को डिटेल में समझेगा। अभी ये समझिए कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो आरओसी है तकरीबन 56.67% के आसपास जो ठीक ठाक समझा जाता है पेनी स्टॉक के लिहाज से, ये भी बढ़िया है। अब देखिए हम लोग फंडामेंटल और काम को समझे दोनों अभी तक ठीक नजर आया। बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक साल का चार्ट ओपन किया हुआ है। एक साल के चार्ट पर जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कंपनी में हायर हाई बनते हुए चल रहा है। पहले यहाँ ये लेवल देखिए, पहले ये इस लेवल के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस घूमा था 35-40 पैसा के बीच में, फिर प्राइस इससे ऊपर आया और एक स्टेप ऊपर आया, फिर प्राइस इस लेवल के बीच में घूमने लगा 45-55 पैसा के बीच में, अब ये एक स्टेप और ऊपर उठाया और इस लेवल के आसपास आ गया। हालांकि अभी तो देख सकते हैं प्राइस ऊपर ही जा रहा है तो यहाँ से मान लेते हैं 55 पैसा से लेकर 80 पैसा, 80 पैसा से भी प्राइस अभी ऊपर जाएगा, ये 1.5 रुपये तक अभी बहुत बिना रुके 1.5 रुपये तक आपको इजीली जाते हुए दिखेगा, तो ये जहां पे जाकर रुकेगा फिर वहां पे कंसीडर करेंगे। लेकिन मेन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि कंपनी लगातार हायर हाई आपको बनाते हुए कंपनी के शेयर प्राइस में आपको दिख रहा है, कंपनी का शेयर प्राइस लगातार आपको ऊपर की तरफ जा रहा है और ये लगातार अभी ऊपर की तरफ ही जाएगा क्योंकि कंपनी के जो जिसमें बताया कि फंडामेंटल ठीक है प्लस कंपनी जो काम करती है वर्क, यदि हम लोग कंपनी का देखें तो इस ये जो कंपनी काम काफी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, आईटी सेक्टर की बात करें, बीपीओ इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें तेजी हमेशा जो कंपनी काम करती है इस इंडस्ट्री में उसके शेयर प्राइस में तेजी हमेशा बनी रहेगी। एक साल के चार्ट पर आपने देखा क्या लंबा तेजी इसमें बना और आगे भी ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। अब बात करते हैं इसके पास शेयर्स हैं तो शेयर से तो आपको होल्ड करना है, शेयर का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, आप चाहे तो बीच में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि 1 रुपए तक जाने दीजिए, 1 रुपए तक जाएगा जब इस कंपनी का शेयर प्राइस, वहां पे आप हाफ क्वांटिटी चाहे तो निकाल सकते हैं या लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो इसको होल्ड कर सकते हैं। बाकी कोई नया व्यक्ति है वो क्या कर सकता है कि जब तक इस कंपनी के शेयर प्राइस में कहीं से रिट्रेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलता, इससे प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है तो चढ़ते हुए रेलगाड़ी में मतलब चढ़ने की गलती नहीं करना है, आपको बस वेट करना है कि ये जो शेयर प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है कहाँ पे जाके करेक्ट हो रहा है, जहां से करेक्ट होकर फिर उठने लगेगा वहां पे आप इसमें एंट्री बनाएंगे। चढ़ती रेलगाड़ी में मत चढ़ेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, वेट कीजिए सही अपॉर्चुनिटी का, जहां पे अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे आप इसमें नया एंट्री ले सकते हैं या एवरेजिंग करना चाहते हैं तो वहां पर भी एवरेजिंग कर सकते हैं। कंपनी के जब आप बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में आप पाएंगे कि कंपनी के पास जो कर्जा है जो डेप्ट है कंपनी लगातार अपने कर्जे को कम करते हुए नजर आ रही है, प्लस जो रिजर्व पैसा होता है फ्री कैश फ्लो वो आपको दिखेगा। हालांकि फ्री कैश फ्लो जो कैश पैसा तो अभी थोड़ा कम हुआ लेकिन अच्छी बात है
कंपनी के पास अभी भी पैसा है और कंपनी धीरे धीरे अपने कर्जे को भी कम करते हुए नजर आ रही है, तो ये गुड साइन होता है किसी भी कंपनी में। यदि कंपनी का डेब्ट जो है लगातार कम हो रहा है तो उससे अच्छा माना जाता है। जैसे मैंने शुरू में बताया कंपनी का जो फंडामेंटल है आपको मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे जब शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखते हैं तो आप पाएंगे कंपनी के प्रमोटर्स के पास तकरीबन 19% के आसपास हिस्सेदारी है, जो कि पेनी स्टॉक के लिहाज से आप देखते हैं तो ठीक समझा जाएगा इसको, क्योंकि सामान्यतः पेनी स्टॉक में मतलब इतने हैवी मात्रा में प्रमोटर्स नहीं होते हैं। एफआईआई थोड़े से इस स्टॉक्स में निवेश किए हुए हैं क्योंकि आईटी से जुड़ी हुई ये कंपनी है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इस लिहाज से, और बाकी मेजर रेवेन्यू तो पब्लिक इसमें है, ये पब्लिक इस स्टॉक्स में ज्यादा है जैसा कि सामान्यतः पेनी स्टॉक में होता है। तो आपको करना क्या है कि आपके पास कंपनी के शेयर्स है तो मस्त अभी उसमें प्रॉफिट और बढ़ने दीजिए तब बुक कीजिएगा, नहीं है तो आप उसको जहाँ पे मैंने बताया कि करेक्शन होने दीजिए वहाँ पे नया एंट्री ले सकते हैं। बाकी एक्सेल रियलिटी एंड इन्फ्रा लिमिटेड में फिर से कहता हूँ काफी बढ़िया स्टॉक्स है, आपको इसमें अपने पोर्टफोलियो में है तो होल्ड कीजिए। मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।